चाय कुर्सी का व्यवस्था कीजिएगा और ज्यादा भीड़ नहीं लगने देंगे। फर्स्ट राउंड में भी दो तीन ऐसा असिस्ट आया था जहां से गोल की बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन भले गोल नहीं हो पाया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में इनके असिस्ट में पहला गोल और सेकेंड गोल खुद यहां पर विजय मरांडी ने किया, तो मुझे बहुत ही गर्व फील हुआ। और जिस प्रकार से रात के समय में अपने चैनल में मैंने लाइव आया था, तो निश्चित रूप से वहां पर बहुत सारे हमारे ऑडियंस या विजय को चाहने वाले बहुत सारे ऐसे प्रशंसक थे जिन्होंने कमेंट किया कि विजय का खेल कैसे था। तो निश्चित रूप से कल के दिन में विजय बहुत ही अच्छा खेले और आज उस प्रकार से उनको बॉल आखिर करके नहीं दिया गया, इसलिए विजय अभी तक उस प्रकार का कारनामा या उस प्रकार से जो एक परफॉर्मेंस है अभी तक नहीं बन पाया है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे बच्चे बच्चे समय पर विजय के द्वारा या अपोनेंट टीम के द्वारा भी कुछ हमें बेहतर खेल देखने को मिलेगा। राजेंद्र जी, और मैं माफी चाहूंगा, मैं आगे नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरा आज काफी ज्यादा दबाव है और थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है, इसलिए हम चाहेंगे कि जितने भी या हमारे सीनियर हमारे कमेंटेटर हैं आप ही लोग माइक सर, आपका ओपिनियन थोड़ा हम लोग जानना चाह रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है इस मुकाबले में, क्योंकि गोल अभी तक हो नहीं रहा है और यहाँ पर विजय मरांडी के काफी फैंस आए हुए हैं और दोनों टीम से भी वो तो आए ही है, लेकिन ऐसा आशा था आज विजय मरांडी किस तरह से विनिंग गोल वो मारे थे, और आज आपको क्या लग रहा है? फर्स्ट एड की टीम पहले जाइए। और राजेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे मेन स्टेज पर है, तो जिस प्रकार से जो कार्य हम तमाम कमेंटेटर को दिया गया है तो वो बाखूबी हम लोग निभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसी क्रम में बहुत किसी को नाराज भी होना पड़ता है हम लोगों के कार्य से, बहुत कोई नाराज हो जाते हैं कि ये लोग ज्यादा कहते हैं, लेकिन हम लोग का कोई काम नहीं, हम लोग तो एक खिलौना है, हमारे रिमोट कंट्रोल हमारे कमेटी के पास है, वो जैसा चाहेंगे वैसा हम लोग चलेंगे, तो इसीलिए मैं कहता हूँ राजेंद्र दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना मेरे दोस्त, दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना, अनजान लोग तो हीरो को भी कांच समझ बैठते हैं, तो हम तो एक पावनी सा इंसान है, वो तो हमें गलत समझ बैठेंगे, तो इसलिए राजेंद्र आप लोग कुछ भी कहे आप अपना काम कीजिए, बाखूबी कीजिए, ईमानदारी के साथ कीजिए, ऊपर वाला आपके साथ है और मैं तो हर हमेशा आपके साथ जरूर रहूंगा। थैंक यू सर, आपके जितना तारीफ करो तो शब्दों की कमी पड़ जाएगी, आपका शायरी हम लोग सुनेंगे मेला डूबने के बाद स्टेज से, ठीक है, क्योंकि जो रितु सर है ये टीम मैनेजर भी है और खेल को ये इतना ज्यादा बढ़ावा देते हैं, खिलाड़ी को मोटिवेट करते हैं, उसको सही राह दिखाते हैं और साथ साथ जितना अच्छा वो हिंदी के वक्ता है, बांग्ला के वक्ता है और अच्छे इंसान है, बहुत ही हंसमुख इंसान है और मेरे अजीत दोस्त हैं और शायर भी सुनेंगे, बाल बाल यहाँ पर बचा इस बार सही है और देखना होगा ये मुकाबले अभी, यहाँ ज्यादा लोग कहीं ना कहीं विजय मरांडी को गोल के लिए देखना चाहता है, तो उम्मीद है कि देखेंगे क्या यहाँ से गोल आएंगे। राजेंद्र विजय मरांडी का बहुत ही शानदार रिसीविंग और बेहतर स्किल करते हैं, उसका सबसे बड़ा खासियत है रनिंग, इतना अच्छा बेहतर स्किल कर रहे हैं, क्रॉस का इंतजार है विजय मरांडी का, लेकिन पोजिशन उससे थोड़ा सा वो गवाते तरीका से पटना पेंथर और नील रोलना एफ सी प्रसाद यूनाइटेड घमासान मैच चलाधरी पहल गोल हर मेना अपटा खिलाड़ी पहल गोले गोलना बढ़िया शॉट हेडर लगना
लेकिन वादम पर सही कॉन्टैक्ट बांग हुई लेना विजय मरांडिया ना कॉर्नर किक ताकि ना दी बेहतरीन किक लेना इन सोके खिलाड़ियों ने गोरो बांको था लेकिन बांको हेटर डाले था अरमित बरसात यूनाइटेड बढ़िया मौका को नियाम करा और यहाँ पर थोड़ा रास्ता भी आ जाए हमारे स्कोरर और हमारे सहयोगी डेनियल जी को जाने दीजिए टुपरी हरों करने को आगे डेनियल के नाटी बढ़िया कभी गला नहीं चला जाए पे और माए पे हलो मजा चला मैं पर और विजय मरांडी बॉल पर आलान को ऑफसाइड की दिया और राजेंद्र अगर स्थिति इस तरह ही रही तो कहीं ना कहीं हमें पुनः एक बार उस ट्राई देकर के और भी जाना होगा लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि खेल में ऐसा दोनों लग रहा है कि ये दोनों टीम कहीं ना कहीं गोल के लिए ही खेल रही है अभी तक और अगर गाड़ी के ड्राइवर हैं तो आप कृपया एक गाड़ी लेकर वहां पंचायत भवन की ओर जाएं क्योंकि वहां कुछ खिलाड़ी उसको लाना है ऑलरेडी खाना का सही कनेक्शन नहीं मिल रहा है या पता नहीं थोड़ा सा एरियल को ठीक कीजिए और आप लोग रिपोर्ट कीजिएगा वो सब सामान अगर आ गया है तो हम लोग आगे का कार्रवाई और हमारे सभी कमेंटेटर्स मंडली को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस साल सभी दर्शकों को बता दूं मैं तुषार सोरेन मुझे काफी सारी जिम्मेदारी दी गई थी इस वजह से कमेंट्री में मैं सहयोग नहीं कर पाया इसीलिए मैं सभी हमारे कमेंटेटर्स मंडली को मैं धन्यवाद देता हूं काफी दिग्गज हमारे हस्ती यहां पर आए हुए हैं स्पेशली मैं धन्यवाद देता हूं आज जो समय दिए हुए शेखा मंडी जी